Hey guys, welcome back to another session. So in this video, we are going to discuss from question number 61 to question number 80 in refrigeration and air conditioning. I hope so you are doing well. And guys, so पहले हम बात करेंगे हमारे एनएलसी टेस्ट सीरीज के बारे में एक मिनट. सो एनएलसी टेस्ट सीरीज हमारा लॉन्च हो चुका है. अगर आपने अब तक ग्रैप नहीं करा एनएलसी टेस्ट सीरीज जरूर ग्रैप करिए और प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए. नॉन टेक में आपको मैक्सिमम नंबर क्वेश्चन दे रहे हैं, 65 टेस्ट है. मतलब 65 टाइम्स आप टेस्ट देख सकते हैं. इसमें सब्जेक्ट वाइज है, टॉपिक वाइज है और आपका फुल लेंथ भी है. एज वेल एज टेक में आपको हम 10 फुल लेंथ दे रहे हैं. टेक मैकेनिकल फुल लेंथ 10 में हम ले रहे हैं सिर्फ 149 रुपीज सब कुछ मिला के, ये आपको देना है पैसा. और एनएलसी में नॉन टेक कितना है, सिर्फ 299 रुपीज का. दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा फॉर योर ईज. जो आपका मैकेनिकल का टेस्ट सीरीज उसका लिंक मैंने फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया है. थैंक यू वेरी मच. नाउ शुरू करें क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 61. क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अ रेफ्रिजरेटर ऑपरेट्स बिटवीन द टेम्परेचर्स ऑफ -23 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड इफ 1 टीआर इज इक्वल टू 3.5 किलोवाट. ये तो होता है, स्टैंडर्ड है. द मिनिमम पावर रिक्वायर्ड पर टीआर टू ऑपरेट द रेफ्रिजरेटर. तो भाई साहब क्या निकालना है हमें, पावर निकलना है. मतलब क्या, हमें वर्क इनपुट निकलना है पर टीयर. मतलब 3.5 किलोवाट हमें अगर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट रिक्वायरमेंट है तो. तो हमें पता है सीओपी क्या होता है, सीओपी रेफ्रिजरेटर क्या हो जाएगा हमारे पास, टी एल बाय टी एच माइनस टी एल इज इक्वल टू हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन क्या आ जाएगा, वर्क इनपुट. अब यहां पर टी एल क्या है, -23 प्लस 273, नीचे क्या आ जाएगा, 27 प्लस 23 50 इज इक्वल टू 3.5 अपॉन डब्ल्यू. दिस वन इज व्हाट माय डियर, 250 बाय 50, दैट मींस व्हाट माय डियर, 5. सो 5 इज इक्वल टू 3.5 बाय डब्ल्यू. डब्ल्यू हमें निकालना है तो डब्ल्यू इज इक्वल टू 3.5 बाय 5. सो दिस विल 0.7 राइट. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो आसान क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हैं, आई होप सो. ओके, नाउ गाइस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में. क्या बोला गया है, एन आइडियल रेफ्रिजरेटर इज ऑपरेटिंग बिटवीन अ कंडेंसर टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एन इवेपोरेटर टेम्परेचर ऑफ -3 डिग्री सेंटीग्रेड. इफ द मशीन इज फंक्शनिंग एज अ हीट पंप, इट्स कॉफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस विल बी. कितना होगा कॉफिशियंट परफॉर्मेंस अगर ये हीट पंप होगा तो. हमारे पता है सीओपी ऑफ हीट पंप क्या होता है, टी एच बाय टी एच माइनस टी एल. टी एच क्या है, 37 प्लस 273, डिवीजन क्या आ जाएगा, 37 प्लस 3 40. आप कैल्सी का यूज करिए कितना आ जाएगा, 310 बाय 40. दैट मींस अगर कैल्सी का यूज नहीं कर सकते हैं, 7.75. यानी कि ऑप्शन डी क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 63. ए कार्नोट हीट पंप वर्क्स बिटवीन टेम्परेचर लिमिट्स 277 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड. इट्स सीओपी इज, सीओपी कितना होगा. हमें पता है सीओपी क्या होता है, टी एच 277 प्लस 273, डिवीजन 277 माइनस 27. तो हमारे पास कितना आ रहा है, अगर कैलकुलेट करते हैं, कैल्सी का मैं यूज कर लेता हूँ फॉर ईज, आसानी से आसान होने के लिए राइट. सो 273 डिवीजन कितना आ जाएगा हमारे पास, 250 आ जाएगा बिकॉज वो 27 है और राइट. सो कितना आ रहा है हमारे पास, 2.2. देयरफॉर ऑप्शन सी क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 64. इन एन एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम द प्रेशर एट कूलिंग टर्बाइन आउटलेट इज इक्वल टू. कूलिंग टर्बाइन का आउटलेट किसके बराबर होगा, केबिन प्रेशर के बराबर होगा. अगर ऐसा नहीं होगा तो उसमें प्रॉब्लम आएगा हमें, हमारा आउटपुट में प्रॉब्लम आ जाएगा. सो क्या आता है, केबिन प्रेशर के बराबर आता है. ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, ईएससी में पूछा गया है. ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 65, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इन गैस साइकिल रेफ्रिजरेशन एन इंजन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ थ्रॉटल वाल्व फॉर प्रेशर ड्रॉप ऑफ द रेफ्रिजरेंट बिकॉज. देखिए हमें पता है बीसीआरएस में हम क्या करते हैं, थ्रॉटल वाल्व यूज करते हैं. वहां पर क्या होता है, प्रेशर ड्रॉप करता है, एंथैल्पी क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस भी बोलते हैं. लेकिन जब हम गैस साइकिल रेफ्रिजरेशन की बात कर रहे हैं, यहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं, इंजन यूज कर रहे हैं. क्यों, इसके पीछे लॉजिक सिर्फ एक है कि एनाफ कूलिंग और टेम्परेचर ड्रॉप इज नॉट ऑप्टेंड, उससे मिलता नहीं. कहां, किसके यूज करके,
थ्रॉटल वाल्व का यूज करके लिए। इसलिए हम क्या करते हैं, इंजन को यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ थ्रॉटल वाल्व इन केस ऑफ, याद रखना इस बात का, गैस साइकिल रेफ्रिजरेशन, यानी कि ऑप्शन ए क्या जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, इन ए 3 टन कैपेसिटी वाटर कूलर वाटर एंटर्स एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड लीव्स एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड स्टेडिली, व्हाट इज द वाटर फ्लो रेट पर आवर, पर आवर की बात कर रहा है, इसको देखना अच्छे से, राइट यहाँ गड़बड़ी कर सकते हैं हम। तो हमें पता है क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू एम सी डी टी होता है। इससे क्वेश्चन, इस कंसेप्ट से जो हमारा फॉर्मूला है, मैं इसको हाथी फॉर्मूला बोलता हूँ, आई कॉल दिस एज एलिफेंट फॉर्मूला, बिकॉज इस फॉर्मूला का यूज पता नहीं कहाँ कहाँ यूज होता है, थर्मोडाइनिक्स में, आर ए सी में, एच एम टी में, बहुत जगह यूज इस फॉर्मूला का, राइट। सो मैं इसको हाथी फॉर्मूला बोलता हूँ मैं, बट दिस। सो क्यू इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 3 × 1 TR इज इक्वल टू कितना होता है 3.5 किलो वाट, याद रखना किलो वाट मतलब किलो जूल पर सेकेंड, मास हमें निकालना है सी 4.2 या किलो जूल पर केजी केल्विन आ जाएगा, डी टी क्या आ जाएगा हमारे पास 30 − 15, हमारे पास ये कितना आ जाएगा m इज इक्वल टू जितना भी आएगा वो केजी में तो आएगा, लेकिन उसको हमें मल्टीपल करना पड़ेगा किसमें, 3600 में, बिकॉज उसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, केजी पर आवर में, फिलहाल किसमें आ रहा है केजी पर सेकंड में आ रहा है, मास फ्लो रेट ले लेते हैं इसको, राइट। तो हमारे पास क्या है, जो वैल्यू निकालते हैं पहले उसको मल्टीपल करेंगे, फिर 3 × 3.5 / 15 × 4.2 × 3600, ये कितना आ रहा है 600 के आसपास आ रहा है। सो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 600 आंसर आएगा, ये 4.2 मत लेना 4.186 लेना, तो आपका 602 के आसपास फिर आएगा, राइट, बिकॉज एग्जैक्टली क्या होता है 4.16 आता है, तो मतलब सीपी का वाटर का सीपीडब्ल्यू, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, अमेजिंग क्वेश्चन, सॉरी 66 अच्छा चला गया 67 आ गया, रेफ्रिजरेटर दैट ऑपरेट्स ऑन ए कार्नोट साइकिल is required to transfer 2000 kilojoule per minute to the atmosphere, right? At 27 degree centigrade, where the low temperature reservoir at 0 degree centigrade, what is the power required? Power required क्या है हमें निकालना है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए हमें पता है COP होता है, रेफ्रिजरेटर है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 273, because 0 degree centigrade मतलब क्या होता है 273 Kelvin, division 27 is equal to क्या आ जाएगा desire effect 2000 किलोजूल पर मिनट, मतलब 60 से डिवीजन कर देंगे सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, ये हमारा वर्क इनपुट आ गया, इसको इधर भेजो, ये जो आएगा इसको डिवीजन कर दो, आंसर आ जाएगा। मैं कैलसी का यूज़ कर लेता हूँ, आप भी यूज़ कर लीजिए, थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमारे लिए। इतना आ गया हमारे पास, थोड़ा सा यूज़ करना कैलसी, बाकी अपने हाथ से कैलकुलेट करने की कोशिश करना, बिकॉज एग्जाम में बहुत से एग्जाम में कैलसी नहीं आता है, मतलब मिलता नहीं है। सो 3.296, यानी कि आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन डी आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है 68 नंबर क्वेश्चन, एन आइडियल रेफ्रिजरेटिंग मशीन वर्क्स बिटवीन टेम्परेचर लिमिट्स ऑफ 45 डिग्री सेंटीग्रेड एंड -8 °C, द पावर रिक्वायर्ड पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, फिर से आसान क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटिंग मशीन है, तो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या आ जाएगा हमारे पास, -8 + 273 = 45 + 8 = मतलब 3.5 / W, जो आएगा इसको डिवीजन कर दो, ऊपर W को ऊपर भेज दो, तुम्हारे पास कितना आ गया -8 + 273 / 53, राइट, हाँ जी 5 आ गया हमारे पास, सो 3.5 / 5 कर देंगे तो 0.7 आ रहा है, तो ऑप्शन डी क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तुम्हारे पास क्या आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गेटिंग, क्वेश्चन नंबर 69, राइट 68 हो चुका है हमारा, 69 पाते हैं। टू रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर्स आर अरेंज्ड इन सीरीज एंड देयर सीओपीज आर 5 and 6 रेस्पेक्टिवली, द सीओपी ऑफ कंपोजिट रेफ्रिजरेशन सिस्टम, तो कास्केट कंसेप्ट का यूज करेंगे, कास्केट रेफ्रिजरेशन सिस्टम का यूज करेंगे, राइट, तो उसमें उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, सीओपी ऑफ द कंबाइंड रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या आ जाएगा, COP1 × COP2 / COP1 + COP2, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा 30, डिवीजन क्या आ जाएगा 12 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2.5, यानी कि ऑप्शन बी क्या जाएगा इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70, ड्यूरिंग एन एयर कंडीशनिंग ऑफ ए प्लांट द रूम सेंसिबल हीट लोड इज 40 kW, रूम लेटेंट हीट लोड इज 10 kW, वेंटिलेशन एयर इज 25% ऑफ सप्लाई एयर एट फुल लोड, द रूम सेंसिबल हीट फैक्टर विल बी, हमें क्या करना है,
रूम सेंसिबल हीट फैक्टर निकालना है. इज इक्वल टू क्या होता है, रूम सेंसिबल हीट बाय रूम टोटल हीट मतलब सेंसिबल हीट प्लस रूम लेटेंट हीट. रूम सेंसिबल हीट कितना हमारे पास है, 40 है, राइट. रूम सेंसिबल कितना आ गया, 40 प्लस 10 यानी कि कितना आ गया हमारे पास, 40/50 आ जाएगा हमारे पास. आसान सा क्वेश्चन था. सो 0.8 यानी कि ऑप्शन बी क्या जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन क्या देखते हैं, द एंथैल्पी ऑफ मॉइस्चर विद नॉर्मल नोटेशन इज गिवन बाय. माय डियर ये पूरा स्टेट फॉर्मल आपका फॉर्मूला है, ये आपका ये होता है एच इज इक्वल टू 1.05 प्लस 1.8 ओमेगा, ए डब्ल्यू ओमेगा होगा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा टी, राइट, प्लस क्या जाएगा 2500 ओमेगा आएगा ये, राइट, वॉट नहीं है ओमेगा है, याद रखना इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एटमोस्फेरिक एयर इज 100% देन वेट बल्ब टेम्परेचर इज. माय डियर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% फाइ इज इक्वल टू 100% मतलब क्या है, सैचुरेटेड कंडीशन है, मतलब क्या आ जाएगा, डीवीटी इज इक्वल टू डब्ल्यूबीटी इज इक्वल टू डीपीटी. ऑप्शन देखिए, मोर देन नहीं होगा, लेस ये देखो क्या बोला हुआ है, इक्वल टू ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, डीवीटी इज इक्वल टू डेफिनेटली क्या होगा, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, और आपका डब्ल्यूबीटी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. देयरफॉर ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी क्या जाएगा इसका, करेक्ट आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 73, इन एन इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर ए थर्मो सिम्फोन बबल पंप इज यूज, क्यों यूज करते हैं इसको, राइट, बिकॉज इसका लॉजिक सिर्फ एक होता है, जो हमारे पास वीक सॉल्यूशन होता है, वीक एक्वा सॉल्यूशन होता है फ्रॉम जनरेटर लाइट फ्रॉम जनरेटर टू द सेपरेटर, मतलब यूज टू लिफ्ट द वीक एक्वा सॉल्यूशन फ्रॉम द जनरेटर टू द सेपरेटर. ये काम होता है बेसिकली आपका ये थर्मोसिफन बबल पंप का. देयरफॉर आंसर क्या आ जाएगा इसका, ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज मोस्ट सुटेबल फॉर सोलर कूलिंग. माई डियर देखिए, सोलर ये तो ऑलरेडी करवा चुका हूँ, अगर आप फॉलो करें तो आपको पता होगा. सोलर कूलिंग मतलब क्या आ गया, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम आ गया. इसका मतलब और एक नाम क्या है, वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम है. और एक क्या बोल सकते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है वहाँ पर इसको हम यूज़ करते हैं, उसका नाम क्या है, वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम. यानी कि ऑप्शन बी क्या जाएगा इसका करेक्ट आंसर. 75, ड्यूरिंग सेंसिबल कूलिंग प्रोसेस स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या करता है. देखिए हमारे पास क्या आ गया, ये हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, यहाँ पर सेंसिबल कूलिंग मतलब इससे हो जाएगा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या करता है ऊपर तरफ बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर क्या है पैरेलल है, मतलब क्या आपका ये कांस्टेंट होगा, रिमेन कांस्टेंट, इसका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर. 76, कंफर्ट कंडीशन इन एयर कंडीशनिंग सिस्टम आर डिफाइंड बाय. भाई साहब 22 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 60% RH मतलब क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी. 77, which of the following is not an essential component of any refrigeration system where refrigerant effect is produced by vaporization of refrigerant. My dear, vapor absorption refrigeration system में हम compressor का use नहीं करते हैं basically, बाकी सब का use करना पड़ता है, only compressor का use नहीं करते हैं. वो क्या है आपका, मतलब बोल सकते हो essential component नहीं है हमारा उसमें. कंप्रेसर के अलावा हम क्या यूज करते हैं, रेक्टिफायर यूज करते हैं, एनालाइजर यूज करते हैं, जनरेटर यूज करते हैं, पंप यूज करते हैं, एब्जॉर्बर यूज करते हैं, इनको यूज करते हैं. वो सारे डिवाइस जो नाम दिया अभी मैंने, कंप्रेसर काम करता है इन VARS. क्वेश्चन नंबर 78, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंप्रेसर विल बी यूज इन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेटर फॉर प्लांट्स अप टू 100 टन कैपेसिटी. काफी अच्छा क्वेश्चन है राइट. माय डियर देखिए 100 टन कैपेसिटी हम यूज करते हैं किसको, रेसिप्रोकेटिंग को. अगर मोर देन 100 टन चाहिए हमें, मतलब 100 टन और रेफ्रिजरेशन चाहिए, मतलब TR चाहिए हमें 100 टन से ज्यादा, तो हम क्या यूज करेंगे, फिर सेंट्रीफ्यूगल को हम यूज कर लेंगे, देन वी विल यूज सेंट्रीफ्यूगल. सो क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ऑलराइट नेक्स्ट गाइस, 79th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ CFC रेफ्रिजरेंट. माय डियर R502 इसका, और इसका और एक भी नाम है, मैं आप लोगों को पढ़ाया हूँ, अगर हमारे बेसिक कंसेप्ट वाला पढ़े हो तो आपको पता होगा. देखते हैं कितने को पता है, जस्ट राइट डाउन इन द चैट बॉक्स व्हाट इज दैट. माय डियर R290, 218 और 44, भाई साहब ये क्या होता है, H2O को बोलते हैं, R718, 44 CO2 को बोलेंगे. कैसे देखिए, 16 आ गया प्लस 2, इधर क्या आ गया 32 प्लस 12, मॉलिक्यूलर वेट की बात कर रहे हैं, ये क्या आ जाएगा हमारा प्रोपेन का आता है. 290 जो होता है किसका होता है, प्रोपेन का होता है. आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी इज द करेक्ट आंसर. R744 मतलब क्या आ गया, CO2 का है.
290 मतलब क्या आ गया, प्रोपेन का है, 502 मतलब क्या आ गया, सीएफसी का है, और एक नाम क्या आपको कमेंट्स में बताना है, R718 मतलब क्या, वाटर का है। क्वेश्चन नंबर लास्ट 80, स्मॉल इंस्टॉलेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम अप टू 35 किलोवाट, व्हिच टाइप ऑफ कंडेंसर इज यूज्ड। देखिए एयर कूल्ड क्या होता है, अप टू 5 किलोवाट की बात करेंगे, राइट। डबल ट्यूब 10 किलोवाट की बात करेंगे, सेल और कॉयल अप टू लगा लो 50 किलोवाट की बात कर सकते हैं हम इसको, और अप टू 1000 शेल एंड ट्यूब, अप टू 1000 की बात करेंगे शेल एंड ट्यूब, राइट। ये था गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं नेक्स्ट चैनल मिलते हैं। गाइस एनएलसी का टेस्ट ही जरूर बाय करें, हमारे एनएलसी का टेस्ट बेस्ट है, नॉनटेक का 65 टेस्ट है, राइट, ओनली 299 रुपीज, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, टॉपिक वाइज, उसके बाद सब्जेक्ट वाइज फुल लेंथ, और टेक्निकल का सिर्फ कितना है 149 रुपीज, आपका 10 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलेगा इसमें 149 रुपीज में, राइट। अगेन गाइस लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, और टेक्निकल का लिंक मैं फर्स्ट में पिन कर दूंगा फॉर योर ईज टू बाय दिस टेस्ट सीरीज। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू सून, गॉड ब्लेस यू ऑल।